हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आए हुए थे गाजीपुर, जहाँ पे हमें अपनी गाड़ी का कुछ काम कराना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ओन करते हैं जॉय ई बाइक की वोल प्लस, जिसको यहाँ पे मनीष भाई के द्वारा अंदर एजेंसी में लाया जा रहा है, जहाँ पे इसके पार्ट को खोला जाएगा। पिछली वीडियो में आप देख चुके होंगे कि हमारी बाइक का एक पार्ट टूटा हुआ है, जिसे हमें चेंज कराना है। यहाँ पे मनीष भाई ला के गाड़ी खड़ी करते हैं और शुरू करते हैं उस पार्ट को खोलना। इस पार्ट को खोलने के लिए हमें सबसे पहले पीछे लगे हैंडल को खोलना पड़ता है, जहाँ पे मनीष भाई इस पार्ट के हैंडल को खोल रहे हैं। हैंडल खोलने के बाद गाड़ी को थोड़ा एडजस्ट किया जाता है ताकि वीडियो बनाया जा सके, लेकिन अगले ही पल हमें मोबाइल उठा के दूसरी तरफ से वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से वीडियो सही नहीं बन रही थी। फिर उसके बाद मनीष भाई साइड से खोलने लगते हैं इसके पार्ट को, जो इसका रियर गार्ड है, ताकि उसको निकाला जा सके। और इसको निकालने के लिए हमें कई सारे नट खोलने पड़ते हैं, लेकिन हम लोगों को सफलता नहीं मिलती है। इसके चारों तरफ से नट खोला जाता है ताकि इस पार्ट को हम लोग निकाल सकें। अब बाहर से हमें कोई भी सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद हम लोग लग जाते हैं इसकी डिग्गी खोलने के लिए। तो सबसे पहले इसके बैटरी के कैप को खोला जाता है, उसके बाद हम लोग खोलते हैं डिग्गी को। डिग्गी खोलने के बाद इस पार्ट को कैसे निकाला जाएगा, इस पर हम लोग काफ़ी देर तक समय देते हैं। आप देख सकते हैं डिग्गी खुल के हटा दी गई है और मनीष भाई लग चुके हैं कि कैसे इस पार्ट को खोला जाए। इस पार्ट को खोलने के लिए बहुत सारे स्क्रू बहुत अंदर दिए हुए थे, जिनको वैसे खोल पाना मुश्किल था। तो धीरे धीरे उसमें हम लोग लग जाते हैं खोलने के लिए, देख के कहा होता है। काफ़ी देर प्रयास के बाद हम लोग कुछ निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि यहाँ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं, इसका कंट्रोलर है और यहाँ पे इसका टूटा हुआ पार्ट है उस तरफ, बाएं तरफ का। फाइनली मनीष भाई पीछे की तरफ से नंबर प्लेट खोलना चाहते हैं, खोलने लगते हैं, जिसके साथ ही हम इसको निकाल सकें। काफ़ी प्रयास करने के बाद यह वहाँ से भी नहीं निकलता है। इसके लिए हम लोगों ने अंदर से जो इसके स्क्रू लगे हुए हैं उसको खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जगह कम होने की वजह से हमको इसमें भी सफलता नहीं मिलती है। कुछ स्क्रू इतने अंदर थे जहाँ तक हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे और ना ही हमारा कैमरा वहाँ पहुँच पा रहा था। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हम लोगों को निराशा ही याद लगती है। फाइनली वो स्क्रू हमें मिल गया जो इसका मेन पार्ट को जोड़े रखा है। वो स्क्रू था हमारे चार्जिंग पॉइंट के नीचे, जहाँ पे इसको खोल के हम इसके पार्ट को अलग करने का प्रयास करते हैं। इसको अलग करने में भी बहुत ध्यान से अलग करना था, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और ये फाइबर का पार्ट है, ज़्यादा जोर पड़ता तो वहीं टूट जाता। इसको कसने के लिए अंदर तक भी स्क्रू दिए गए हैं, जो कि आप दोनों तरफ देख सकते हैं। वहाँ पर मनीष भाई खोल रहे हैं उसको। खोलने के लिए हमने प्रयास किया और फाइनली उसको खोल के हम लोग इस पार्ट को निकालने का प्रयास करते हैं। उस स्क्रू को खोलने के बाद हम लोग लग जाते हैं इसके बैक लाइट और नंबर प्लेट लाइट के इस कपलर को निकालने के लिए, ताकि इस पार्ट को वहाँ से हटाया जा सके। उसके कपलर को हम लोग खोलते हैं और खोलने के बाद उस पार्ट को आराम से हटा देते हैं। उस पार्ट को हटाने के बाद कुछ इस तरह से हमारी गाड़ी दिखती है, जहाँ पे इसका पीछे एकदम खाली दिख रहा है। तो हमारा पार्ट जो है वो यहाँ से टूटा हुआ है, और दूसरी तरफ आपको दिखाएं तो वहाँ पे टूट के पूरा उसके पार्ट खो चुके हैं और वो पूरा होल हो गया है। इस पार्ट को खोल के हम लोग इसका फ़ोटो लेते हैं, इस गाड़ी के आगे रख के फ्रंट साइड में, जहाँ जो इस फ़ोटो हमें भेजना था इंश्योरेंस कंपनी को। इस गाड़ी पर हमारा जीरो डेप्थ इंश्योरेंस बजाज एलियंस की तरफ से था। पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं, उनके सर्वेयर आए थे और हमारी गाड़ी का सर्वे करके गए थे। उसके बाद ही हम इसके पार्ट को ऑर्डर कर दिए। उस पार्ट को ऑर्डर किए हमें लगभग 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन वो पार्ट अभी तक हमारा डिलीवर नहीं हुआ है। और उसके लिए हमने कंपनी से, एरिया मैनेजर से कई बार बात की, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हमने कंपनी का टोल फ्री नंबर यूज किया, जिस पे हमने शिकायत भी की थी, और हम पता करना चाहते थे कि डायरेक्ट अगर पार्ट ऑर्डर हो तो हम डायरेक्ट ऑर्डर करके मंगा लें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी का रिस्पांस इस विषय पे बहुत ही कम था। फाइनली फ़ोटो वोटो करने के बाद
हम लग जाते हैं इसको असेंबल कराने में, क्योंकि हम यहाँ आए हुए थे दोपहर के 12 बजे और हमें बज गया था 5:30। अब इसको असेंबल करा के हमें निकलना था घर। फाइनली मनीष भाई लग जाते हैं इसको असेंबल करने के लिए, जो कि इसको खोलने में बहुत ज़्यादा समय लगा था और इसको खोलने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, लेकिन असेंबल करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। आपको ये भी बता दें कि आज यहाँ पे एजेंसी में लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई। इसको असेंबल करते हुए हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना था, जो जिसमें था कि हम इसको सही से सेट कर दें। अगर ये सही से बैठेगा नहीं तो फिर इसको इस पार्ट के टूटने के चांस बहुत ज़्यादा थे। साथ ही साथ हम आपको बता दें, ये जो प्लास्टिक का पार्ट है ये काफ़ी कमज़ोर था और इस पर ज़्यादा जोर पड़ता तो ये टूट जाता। पीछे की तरफ से मनीष भाई लग जाते हैं इसको कसने में और इसको कस के हम निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया कि वहाँ पे लाइट नहीं थी और हमें काफ़ी समय हो गया था। हमारी गाड़ी पूरी असेंबल हो गई और हम अपना फ़ोटो इंश्योरेंस कंपनी को बेच चुके हैं। इसकी बैक लाइट और नंबर प्लेट लाइट नहीं जल रही थी, जिसको हमने वहाँ पे खुलाया और सही करवा दिया था। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए।